गोवा में आके बीचेस, फोर्ट्स, ये सब तो आपने इससे पहले भी देखा होगा, शायद आगे भी आएंगे तो आपको गूगल पे प्लेसेस टू विजिट इन गोवा में शायद बीचेस, फोर्ट्स यही सब दिखाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चेस दिखाए जाएंगे, लेकिन दिस इज़ वन प्लेस जहाँ पे आपके रोज़मर्रा के खाने के बारे में कुछ जानकारी पा सकते हैं कि आपके खाने में क्या होता है और वो कहाँ से आता है। Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You are watching Counting Kilometers. If this is your first time here, we invite you to join our journey called Travel Life. You can simply do that by clicking the subscribe button and pressing the bell icon so that you don't miss out on any of our future videos. Besides that, to keep in touch with us in real time, you can follow us on Facebook and Instagram. The handles are flashing right down here. If you're following us from the start, aapko pata hi hoga, this place, it's our campsite, Shunden. Also, this is our home. तो इसके बारे में डिटेल्स आप इंस्टाग्राम पेज पे चेक कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। द रीज़न आई एम शोइंग दिस प्लेस अगेन इज़ पहले तो इसके बारे में सारे डिटेल्स दे चुका हूँ, लेकिन अब मौसम बदल चुका है। दिस इज़ द सराउंडिंग्स। मॉनसून में इस जगह का एक अलग ही मज़ा होता है। सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ कैंपिंग, थिंक ऑफ शुंडेन। एनीवेज, आज का व्लॉग का टॉपिक ये नहीं है, एज़ यू सॉ इन द इंट्रो। व्लॉग का टॉपिक है गोवा की एक ऐसी प्लेस जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। अगेन, इफ़ यू आर फॉलोइंग अस फ्रॉम द बिगिनिंग, आपको पता होगा कि समर्स में 2019 मार्च में हमने एक राइड किया था थ्रू द कोस्टल एरियाज ऑफ गोवा, जिसमें हमने बहुत से ऑफबीट प्लेसेस, बहुत से अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को अनकवर किया था। उसी में से एक प्लेस जिसके बारे में मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था, लास्ट एपिसोड मींस उस राइड के लास्ट एपिसोड में, कि इसके लिए एक अलग व्लॉग डिजर्व करता है, एंड दिस इज़ द व्लॉग। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस व्लॉग की इंट्रो के बारे में। व्लॉग भी छोटा ही रहेगा आज का, बट इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग और आपको एक नई प्लेस पता चलेगी, दैट्स माई प्रॉमिस। सो लेट्स गो फॉर इट। वी हैव रीच्ड दिस सहकारी स्पाइस फार्म्स। इट्स अ traditional place with spice plantation and it all starts with traditional welcome. मुझे भी लगा दीजिए। Thank you. We have a traditional welcome drink here, lemongrass tea, and we'll start with the spice plantation tour from here. We're waiting for the guide to come, and after the tour there will be lunch. This is the kind of welcome we get, a garland of local flowers. And here's our guide for the tour. Sir ji, आपका नाम? अमोल। अमोल, आप यहीं से? I'm from waterfall, दूधसागर। दूधसागर? Waterfall तो अभी ड्राई होगा ना? क्यों? मतलब अभी चल रहा है? 100 या। लेकिन वो ट्रैक कितना टाइम जाता है जाने में? 45 minutes by gypsy. अभी 3:30 बज जाएगा। बंद हो जाएगा? अच्छा, फिर ठीक है, चलो फिर तो मानसून में आएंगे। या नेक्स्ट टाइम। चलो। Let's start with the tour. This is the most interesting part. गोवा में आके काजू फेनी ट्राई करनी होती है हर एक को। दिस इज़ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर काजू फेनी, और फेनी कैसे बनती है, नाउ अमोल इज गोइंग टू एक्सप्लेन टू अस। प्लीज सर। या श्योर। सो काजू फ्रूट्स आर यूज्ड टू मेक अल्कोहल। सो दिस इज द नट हियर एंड दिस इज द फ्रूट हियर, काजू फ्रूट। कैशियो हैज वन नट एंड वन फ्रूट, एंड द नट कम फर्स्ट एंड देन द फ्रूट, एंड फ्रूट इज नॉट इनसाइड द फ्रूट, इट इज आउटसाइड, एंड इट्स वन नट फॉर फ्रूट, दैट इज व्हाई द नट कैशियो नट इज वेरी एक्सपेंसिव, एंड वी कैनॉट ईट दिस नट as it is directly. Correct. We got that nut and then eat it. But fruit we can. Again, the fruits are used to make alcohol. So what we do, we extract juice from the cashew fruits with this juicer and then we ferment it in the sunlight. See, fermentation is going down there. This is how they ferment it. Okay. And it ferments itself only. And then they distill it over there and they make feni. Okay. And cashew feni contains 42.8% alcohol in it. And it's a distilled twice or two times. First distill is Hurak. Twice. Okay. Yeah, twice. First distill is Hurak. Hurak is mild in taste. Hurak contains 15% alcohol in it.
and the second distill is Feni. Okay, Feni, so matlab, is 42. At first distillation it gets 15% alcohol. 15. Then again we take 50% burak and 50% fermented juice. Okay. We mix it and then redistill it. The second time what we get is called Feni. Okay. And in the Feni 42% is 42. Like, matlab, like it is too strong. Very strong it is. Very strong. Great. And it's legal here in Goa. It's, and it's only in Goa in India. Okay. As it is traditional alcohol. So in Goa anybody can... Make it at home. Okay, great. घर पे बनाने की कोशिश मत करना, सिर्फ सीख लो. तो गोवा में आ जाओ, रह लो और उसके बाद सीख लो. अच्छा, फिर गोवा का रेशन कार्ड बना दो. 15 after 15 years. Oh great. लंबी मेहनत है मतलब. चलो उससे अच्छा है परचेज ही करके पी लेंगे. Feni alcohol is very cheap here in Goa, sir. Our state is tax free. So we are just done with the tour. बहुत ही amazing experience था. Alcohol. Cashew Feni. दर टेस्ट कर, काजू फेनी टेस्ट करना है. सो जितने भी मतलब खाने में स्पाइसेस वगैरह यूज होते हैं जिनका सिर्फ नाम भी सुना था वो सब देखने मिले. फेनी टेस्ट कर लेते हैं पहले. लुक व्हाट वी हैव गॉट. व्हाट इज दिस, एनी गेस? This is peri peri chili. Peri peri का नाम तो सिर्फ McDonald's में सुना होगा. And this is a full grown chili. इससे बड़ी नहीं होती है ये. ये पूरा ये full size fruit है. And this is 2500 times hotter than the normal chili that we get in market. Then we've got this. See the color, how beautiful it is. This is love apple. So, water apple, rose apple, ये सब जो होते हैं उसी का एक वेरिएंट है, यू कैन से. देर आर मेनी मोर थिंग्स टू सी ओवर हियर. तकरीबन 45 मिनट्स का टूर है एंड नाउ वी हैव अनलिमिटेड बुफे लंच. आपको गूगल पे प्लेसेस टू विजिट इन गोवा में शायद बीचेस, फोर्ट्स यही सब दिखाया जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा चर्चेस दिखाए जाएंगे, लेकिन दिस इज़ वन प्लेस जहाँ पे आप आपके रोज़मर्रा के खाने के बारे में कुछ जानकारी पा सकते हैं कि आपके खाने में क्या होता है और वो कहाँ से आता है और उसको कैसे ग्रो किया जाता है. बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है एंड इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ यूनिक फॉर्म. और उसके बाद मतलब खाना यहाँ पे जितना चाहो आप टाइम स्पेंड कर सकते हो. देयर इज़ नो लिमिट टू दैट. एंड अगर आप गोवा में आते हैं तो ये प्लेस तो विजिट करना ही है, इसको आप मिस कर ही नहीं सकते. सो आई नो इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर नहीं हुई है. इस प्लेस के बारे में बहुत कुछ और बता सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ व्लॉग में बता दिया तो फिर जाके देखोगे क्या? उसके लिए कुछ तो बचना चाहिए ना. सो दिस प्लेस हैज़ टू बी देयर इन योर नेक्स्ट आइटिनरी ऑफ गोवा. मानसून में भी अगर जाते हो तो मानसून में जंगल देखने का मज़ा अलग ही होता है. तो ऑफ सीज़न गोवा अगर आप प्लान कर रहे हो तो भी ये प्लेस आपको देखने मिलेगी और देखने लायक होगी. बहुत बढ़िया है. विद दैट सेड, डू लेट अस नो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, आपको काउंटिंग किलोमीटर्स की आज तक की जर्नी कैसी लगी है. एंड गिव योर फीडबैक्स, गिव योर कमेंट्स, उसी में से हम इम्प्रूव कर पाएंगे. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर सर्कल्स. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए प्लेस, किसी नए एक्सपीरियंस के साथ. मानसून चालू हुआ है तो बहुत सी नई नई प्लेसेस आपको दिखाने हैं, बट दैट विल बी फॉर अपकमिंग व्लॉग्स. टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी. कीप काउंटिंग किलोमीटर्स.